अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं सब दोस्त? वेल जनाब, अगेन मैं हर दफ़ा माजरत कर लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मुझे वीडियोस बनाने के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, बिकॉज आई हैव कप ऑफ वीक्स राइट नाउ, जिसमें मैं अपने लिए भी थोड़ा दोबारा सोशल मीडिया पर काम कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। वेल अभी आज की जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा कंपेरिजन है एसनियॉर्थ और बेलिंगजू को लेके, बिकॉज जितने भी ज़्यादा सख्त रूल अभी तक आए हैं गौचदारसी की तरफ से या टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से, वो मोस्टली एसनियॉर्थ को लेके हैं। और उसकी रीज़न क्या है ऑब्वियसली वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और उसका हल क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और दैन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बेलिंगजू एसनियॉर्थ बंद होने के बाद बेलिंगजू में किस तरह से रगड़ा लगा रहे हैं हमारे अपने ही पाकिस्तान यूनियन भाई, अफगानियों के साथ मिलके, तुर्कों के साथ मिलके, ईरानियों के साथ मिलके, और किस तरह से इससे कू किया जा सकता है। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी तो लेनी है जब आप आएंगे, तो उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं आप लोग, इन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप मेरे पास आ रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, तो आपको पता हो कि यार बचना कैसे है। रोटी तो खानी है, मिर्चा काटो या मत दो, इससे आसान मिसाल मैं दे नहीं सकता हूँ। सो आज के वीडियो में बात कर लेते हैं एसनियॉर्थ के लिए कि एसनियॉर्थ में प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका हल क्या है, और ये प्रॉब्लम्स हैं क्यों। तो सबसे पहली चीज़ के तैयब दुआन जो लोग यहाँ हैं वो जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान में बैठ के भी कंडीशंस का पता है, कि जैसे जैसे तैयब दुआन की गवर्नमेंट वीक हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस्तांबुल की मेयरशिप लूज की आग पार्टी ने, जो तैयब दुआन की पार्टी है जेहेपे ने, उसमें विन किया। इन शॉर्ट ये कि जो इस टाइम करंट गवर्नमेंट है इसकी, यहाँ पर जिनका होल्ड है इस्तांबुल पे, मेयरशिप जिनकी है, उस बंदे की अपनी रिहाइश, उस बंदे का अपना इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा एसनियॉर्थ में। और दूसरी वजह बहुत बड़ी जो है वो डिस्टर्ब करने की गवर्नमेंट को, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि एसनियॉर्थ गवर्नमेंट के फिगर्स के मुताबिक एनालिसिस जो उनके निकाले हुए हैं, जो फिगर्स हैं, 80% जो एसनियॉर्थ के वहाँ में वो फॉरनर्स हैं। उसकी वजह सबसे पहले जो प्लस पॉइंट है उसके, सबसे ज़्यादा मॉल इधर है, समंदर मरमरा सी जस्ट 5-7 मिनट के फासले पर है, जो लेक है कनाल इस्तांबुल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अपकमिंग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तुर्किश गवर्नमेंट का, जो $22 बिलियन से बढ़ के अभी 30-32 में चला गया है, जो कि मेरी राय है कि शायद तुर्किश गवर्नमेंट इस पर इतना पैसा नहीं खर्चेगी जितना कि मैंने 6-7 सालों में तुर्किश लोगों को समझा है, जो कि आम लोग हैं, बिला वजह पैसा नहीं खर्चते कहीं पर। 100 साल फ्री ट्रेड चली है बॉस्फोरस पे, तो अभी बारी चेंज नहीं होगी, तुर्किश अपनी बारी नहीं छोड़ेंगे। और इंशाल्लाह आई स्ट्रांगली विश, अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि 2023 में तैयब रिजवान जो है तुर्की तैयब रिजवान के साथ हैंडल हो, वरना बहुत सारे मसाइल होंगे इन लोगों के लिए। एनीवे एसनियॉर्थ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि आप मतलब डे बाई डे जो चेंज हुई और फिर रूल चेंज होते गए, पहले इन्होंने कहा कि जी आप वहाँ पर TRC लेंगे, लेकिन लोग बाज नहीं आए, फिर उन्होंने वहाँ से नफूस बंद कर दिया, वो भी फेक बनना शुरू हुए, वहाँ पर रेंटल एग्रीमेंट्स की पाबंदी लग गई, इसके बावजूद लोग कहीं और डिस्ट्रिक्ट से बना के, और फिर इसको मतलब डिफरेंट टाइप के मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, होशियत रंडे यूज़ किए हम पाकिस्तानी इंडियंस ने, ताकि हम अच्छी तरह अपना नाम बदनाम करें यहाँ पे। आपके बच्चों के स्कूल एडमिशन नहीं हो रहे, आपका नफूस नहीं हो रहा, आपको फ्री मेडिकल वो नहीं मिल रही, सिर्फ उन लोगों के जो रेंटल उसके ऊपर जा कर रह रहे हैं। अगर आप यहाँ इस एसनियॉर्थ में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और इनके दिए हुए रूल्स के मुताबिक खरीदते हैं, उस सूरत में तो आप सेफ़ हैं, अदरवाइज़ इन्होंने पूरी फैमिलीज़ के TRC उड़ा दिए, और वो बड़ा रैपिडली हुआ पिछले 4-5 माह में, और अभी वो चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, थोड़ा हट गए हैं, लोग सख्ती कर दी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा टफ रूल्स आ रहे हैं। सो एसनियॉर्थ में जो प्रॉब्लम बेसिकली थी वो गवर्नमेंट के अंदरूनी जो यहाँ पार्टियाँ सियासी, उनका क्लैश था, और फिर बहुत बड़ी वजह बनी बहुत ज़्यादा 2018-19 के बाद, ख़ास तौर पर कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा रश हुआ, और वो सारा रश जो है वो मोस्टली चूँकि एजेंट सारा बैठा हुआ था, अरबी भी, पाकिस्तानी एशियंस भी और गोरे भी, सब बैठे हुए थे एसनियॉर्थ और बेलिंगजू में, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट भर गई पूरी। बेलिंगजू में अभी भी काम चल रहा है, इतना तंगी नहीं है, लेकिन वहाँ और तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, खास तौर पर याकूबलू में बहुत मुहतात रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसी के लिए बनाऊंगा, और मैं खुशी हूँ वो अभी बना लूँ। सो एसनियॉर्थ में अगर आप जाते हैं, सबसे शानदार कमर्शियल यहाँ पर है, सबसे शानदार व्यूज़ अगर हम बात करें कंपाउंड्स को लेकर, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, समंदर पास है, लेक पास है, और इतने एक आउटस्टैंडिंग वो कमर्शियल एरियाज हैं अंदर के आपका दिल करता है कि प्रॉपर्टी यहीं पे रहनी चाहिए। रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वो भी अच्छा रहता है, लेकिन इसी एसनियॉर्थ का सबसे गंदा इलाका किराच, बारबरस बासफोरस मोहल्ला और बारबरस मोहल्ला,
मतलब ये किराज को आप जैसे कोई आपको पाकिस्तानी इंडियन कोई तुर्का आपको किराज का इशारा करे ना एस एन यू में, वो आपके ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। इंतहाई गंदी कम्युनिटी है, किराज टोटली लाइन मार दें। 3 लाख वाली प्रॉपर्टी आपको अगर वहाँ कुछ 1 लाख में भी दे रहा है तो मना कर दें कि नहीं चाहिए। सो एस एन यू में किराज के ऊपर लाइन मार दें। किराज की जो एरिया है, सीरियंस हैं बहुत ज़्यादा, अफगानी बहुत ज़्यादा हैं, एशियंस बहुत ज़्यादा चले गए हैं। स्कूलों का म्यार इंतहाई घटिया है, ब्लो एवरेज है। मैं सुनी बातें नहीं कर रहा, मैंने 2016-17 में वहाँ अपार्टमेंट लिया था, तलत पाशा जदीसी, बड़ा हमारे पाकिस्तान ने उसको फेमस किया हुआ है। इंतहाई गंदी कम्युनिटी है वहाँ पर। हमें 4 माह बाद मैंने वहाँ से अपार्टमेंट बेच दिया था और हम लोग फ्लोरिया चले गए थे, जस्ट बच्चों की स्कूलिंग की वजह से। लड़ाई मार कुटाई, गंदे स्कूल हैं, उस मतलब एक बिल्कुल ही तुर्की से हटके, इस्तांबुल से हटके एक टुकड़ा नजर आएगा आपको। ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ा है, 3री सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है आबादी के लिहाज से, 1ली सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वहाँ की कम्युनिटी है, स्कूल उतने अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल्स में इतना रश है, चोरी चकारी है, काले बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, सॉरी टू से, जो हमारे बढ़ चुके पूरी दुनिया में यही यूज़ हो रहा है वही चलता है। सो आपने बहुत मोहतात रहना है एसन यौद में प्रॉपर्टी लेते हुए। एसन यौद का जो ऊपर वाला पोर्शन है जो E5 के साथ है, जमहूरियत का इलाका है, बड़ा खूबसूरत है, ये एक्स बैलक दूसरा था, मरबरा की सराउंडिंग है, अच्छा एरिया है। उस एरिया तलत पाशा जो सिटी सेंटर है, एसन यौद मैदान का जो पोर्शन है, इनको छोड़ दें। वहाँ अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो पहले ये देखें कि आया वो जो एन लोगो एक प्रोजेक्ट है उसकी सराउंडिंग में अगर कहीं है तो फिर तो ठीक है। जैसे जैसे आप मैदान आतुशली एक प्रोजेक्ट है और जैसे उस तरफ जाता शुरू होते हैं और या राइट साइड पर आप नीचे जाना शुरू होते हैं तलत पाशा जदेसी की तरफ, इंतहाई गंदे और माठे इलाके हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडी हैं, चोरी चकारी है। सबसे बड़ा पॉइंट, बच्चों की स्कूलिंग बहुत गंदी है, आपको मेडिकल की फैसिलिटीज उस तरह से नहीं मिलती, आपको हेल्पिंग नेबरहुड नहीं मिलेगा। सो अवॉइड करें, किराज का कोई भी मशवरा दे उसको कहें यार थैंक यू, और वो बंदा आपका खैर ख्वाह हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ उन लोगों के पास जिनके पास पैसे हैं ही नहीं, हैं ही वही 2.5-3 लाख रुपए अगर है तो फिर आप ले लें वहाँ पे, लेकिन उसको रेंट आउट कर दें और खुद किसी और जगह पर थोड़े पैसे डाल के अच्छी जगह पर रेंट पे चल जाएं। ये एक ही हाल है उसका। अब इसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या मिलता है अगर हम एस एन यॉट को नहीं करते, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बहुत महंगी हैं या आउटस्कर्ट्स देखी नहीं जाती हैं इस्तांबुल की, बहुत ठंडी हवा है और अगले 5-7 दिन जो है बड़े मजीद ठंड रहेगी, मजीद सर्दी रहेगी इसमें, और 13-14-15 बर्फ़ है इस्तांबुल वाले और जो आ रहे हैं उनके लिए भी अपने लिए ठंडा उसका इंतजाम करके आए। 13-14-15 कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में स्लीट होगी, वो जो मेल्टेड बर्फ़ गिरती है, और एज यूजुअल बेलगदुज़ू और नफ्त को जो ऊंचे पॉइंट्स हैं बशाकशेर, इनमें स्नो है 13-14-15 को। इस बार बड़ा अच्छा स्नोई सीजन था। एनी वे जी, कम बैक टू द पॉइंट। सो ऐसा नहीं, और अगर आप जा रहे हैं किराज को छोड़ दें, तलत पाशा जदेसी एक बड़ा, हमारे सारा एजेंट वहीं बैठा हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह ने और दे और हदायत भी दे। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं प्रॉपर्टी वहाँ पर लें, लेकिन अपने रहने के लिए कोई और इलाका चूज़ करें। मेरी मैं दूर क्या जाना है, मेरे 3 यूनिट्स हैं इस्तांबुल में, 2 वहीं पे ही हैं इसी एसन यॉट में, लेकिन मैं रह नहीं रहा हूँ वहाँ पे, मैंने रेंट आउट किया हुआ है और एक को मैंने ये बनाया हुआ है लग्जरी अपार्टमेंट, और पर डे के हिसाब से मैं उसको चार्ज करता हूँ वीकली 2 वीक्स इस तरह से, और एक अच्छी कम्युनिटी के लिए वो बनाया हुआ है। लाइक मेरी उसके ऊपर कॉस्ट ही 13 लाख ले रहा है, 1.5-2 लाख ले रहा लगा के, तो खाली फर्निश किया हुआ है, मतलब A+, और वो एयरबीएनबी पे दिया हुआ है जो फॉरेन और अरबी क्लाइंट्स आते हैं, पाकिस्तानी तो इस काबिल है नहीं, सॉरी टू से, बिल क्लियर नहीं करते हैं, घर गंदा घर छोड़ के जाते हैं, मतलब 100 किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं घरों के अंदर, और बहुत सारी अच्छी फैमिलीज भी आती हैं, उनका शुक्रिया। सो ऐसा नहीं होता, अगर आप छोड़ते हैं, सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है बेलगदुज़ू। अब बेलगदुज़ू के 3 हिस्से हैं, भुरपनार बहुत शानदार एरिया है, अदनान कावजी और वो सारा जो एक पोर्शन है सब जानते हैं उसको, सिर्फ एक एरिया में बहुत मोहतात होकर जाएँ आप, याकूबलू, मतलब इंतहाई लंबी चौड़ी डजें मारी जा रही हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर ब्रीफ बात करूंगा। सो एस एन यौत में आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपने पहले बल्दिया चले जाएं, वहाँ जा डीलर पे मत रहें, अपने एजेंट पे मत रहें, वहाँ बल्दिया जाएं, उन्हें कहें जी मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने लगा हूँ, गौचदारसी का जो ऑफिस है वहाँ जा सकते हो, आप फाते जा सकते हो, आप किसी लॉयर से मिल सकते हो, और अकॉर्डिंग टू लॉयर अपने फाइल को पुट इन करें प्रॉपर्टी खरीदने के बाद। अभी ज़रूरी नहीं है 18 साल से छोटे बच्चों के नाम आप उसमें डालें, सिर्फ आपने एक जो है ना मेमोरेंडम कह लें, आपने साथ जमा करवा दें कि हमने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है, बच्चे 18 साल से छोटे हैं, और दैट्स गुड इनफ। पहले वो कह रहे थे कि नहीं जी ऐसे नहीं होता, मैं आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको उन्होंने इजी कर दिया, लेकिन उसकी भी सर्टन कंडीशंस हैं। ऐसे नहीं होता, अच्छा हाँ, एक और वीडियो इसके बाद मैं दूंगा,
उसके लिए जरूरी है, मतलब ये अब जो मैंने एक सीरीज शुरू की है, मेरे पास 2-3 हफ्ते हैं और उस पर रैपिडली आपके पास वीडियोस आएंगी और ये सारी वो चीज़ें जो नई हैं, नई डेवलपमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो आए हैं उनके लिए हेल्पफुल होंगी और जो आ रहे हैं उनके लिए भी। सो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोज़ आपके पास आती रहें। अपने पास इनको डाउनलोड कर लें, ज़रूरी नहीं है बार बार मैंने भी देखो, डाउनलोड कर लें, वो पॉइंट्स लिख लें अपने पास, आपके दोस्त आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, कोई जानने वाला आपसे पूछ लेता है, कोई वैसे रैंडमली आपसे पूछ लेता है यार हमें ये मामला है, तो आप उनको बताने के काबिल हो, आपकी मदद कर सकें। ज़रूरी नहीं है जनटा वाली स्टोरियाँ ही हो सारी ना। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर गोइंग टू बाय प्रॉपर्टी इन एस एन योर, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आपको रूल्स का नहीं पता। मेरे साथ इवन इनफैक्ट मैं इतना ज़्यादा टची हूँ इस मामले में कि मेरे क्लाइंट्स ख्वार ना हो, इसके बावजूद मेरे जो मैंने लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 470 के करीब फैमिलीज को एंटरटेन किया यहाँ पर कोरोना टाइम सेकंड वेव के बाद, ऑलमोस्ट कुछ 13-14 माह में उनमें से कुछ 40 के करीब को मैंने प्रॉपर्टी लेके दी, 39-40 समथिंग, और उनमें से दो लोगों के साथ हाथ हुआ, मेरी नेग्लिजेंस नहीं है लेकिन मैं ऑब्वियसली मेरे ऊपर ही आता है। एक फैमिली के TRC गवर्नमेंट ने कैंसिल किए ये कह के कि जी SNYOT में सबके नाम क्यों नहीं डाले आपने टापू के, और दूसरी फैमिली का ये कह के कैंसिल कर दिया कि जी आपने इस बच्ची का नाम क्यों डाला। सो ये डिफरेंट किस्म के सिनेरियोस थे जो अब ख़त्म हो गए हैं, इसके बावजूद यू नीड टू बी वेरी कंसर्न, लॉयर से मिलें, उससे रूल्स पूछ लें, SNYOT डिस्ट्रिक्ट का $100 ले लेगा यार आपसे, बार्गेन करेंगे, $200-$300 मांगते हैं, $100 दें लेकिन अपनी $50,000 की $70,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेव कर लें। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आप घर बार छोड़ के आ रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, तो अकल भी इस्तेमाल करें थोड़ी सी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई पूछना चाहें आप मैसेज कर सकते हैं, और यार व्हाट्सएप पे जब आप कॉल करते हो तो मेरी जान इतना टाइम नहीं होता है, आप कोशिश किया करें पॉइंट्स आपने लिखे हो ऑडियो मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें, मेरे पास जब टाइम होता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कॉल्स आधा घंटा आप लोग ले जाते हो, शर्म से कुछ बंदा मना भी नहीं कर सकता, तो प्रॉब्लम होती है, फिर बहुत सारे दोस्त गुस्सा भी कर गए हैं कि जी तुझे रिप्लाई नहीं कर दे, तो मेरी जान समझा करते हैं अगले बंदे की मसरूफियत भी, दुआ में याद रखें। और SNYOT से रिलेटेड ये जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, बड़ा एक वाज़े हल भी आपको बता दिया है कि कोई भी एजेंट आपको प्रॉपर्टी दे रहा है तो जैसे वो किराज का इलाका, SNYOT मैदान के आसपास का इलाका है, SNYOT मैदान के भी दो हिस्से हैं, ऊपर वाला हिस्सा अच्छा है, लोगों वाली साइड जो नीचे वाली साइड है बहुत माटी है, डिफरेंट चीज़ों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सो उसको पहले टैकल करें उसके बाद पैसा दें किसी को। और यहाँ तुर्की में एक बड़ा गंदा ट्रेंड चल रहा है इस्तांबुल में कि आपने किसी को टोकन दे दिया तो वापस नहीं मिलना, ये लिख लें कहीं पर। सो मेक श्योर करें पहले प्रॉपर्टी को ओके है, डन है, देन पैसे दें, और पैसे जितना कम हो शुरू में, हाँ डिपेंड करता है आपका एग्जेक्टिव कौन है, वो आपको कैसे लेके चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर आप उस हिसाब से आगे डील को बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो बड़ी बहुत ज़रूरी है सबके लिए जो बेलगुजू में बाइंग कर रहे हैं, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही करूँगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर तुसी तुहाड़े को बकवास सुननी नहीं आनी मेरी, तो नेक्स्ट वीडियो बेलगुजू पे है, खासतौर पर याकूबलू के ऊपर, वो लाजमी सुनिए, दुआ में याद रखें, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।